इसी साल 18 जून को कनाडा में एक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर कनाडा में एक सिख नेता की छवि बना रहा था, जबकि असल में वो खालिस्तानी एजेंडा पुश कर रहा था और लंबे समय से कनाडा की जमीन से भारत में अलगाववादी खालिस्तानी समर्थक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। निज्जर की हत्या के बाद कनाडा में इसको लेकर सवाल उठे तो वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत विरोधी राग अपना लिया। जस्टिन ट्रूडो पहले भी खालिस्तानी समर्थक बयानबाजी करते रहे हैं। इस बीच बीते दिनों वहां की संसद में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि निज्जर की हत्या के पीछे उन्हें इनपुट मिला है कि भारत की कुछ एजेंसियों का, भारत के कुछ एजेंट्स का हाथ है। ट्रूडो के इस बयान के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच वीजा को लेकर भी तमाम पाबंदियां लागू हो गई हैं। इन सारी बातों के बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर ट्रूडो की ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो वो लगातार खालिस्तानी समर्थक राग अपना रहे हैं और निज्जर की हत्या पर सीधे सीधे भारत पर बेबुनियाद आरोप मढ़ रहे हैं। दरअसल ये मजबूरियां हैं सियासी। कनाडा में 2019 में आम चुनाव हुए थे। इन चुनावों में ट्रूडो बड़ी मुश्किल से जीत सके थे, जबकि वो डिफेंडिंग चैंपियन थे। जीतने के बाद भी सरकार बनाने लायक नंबर्स उनके पास नहीं थे। ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को 157 सीट मिली थी, जबकि विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को 121। सरकार बनाने के लिए चाहिए थी 170 सीट। ऐसे में ट्रूडो को समर्थन मिला न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से, जिसकी 24 सीटें थी। ये जगमीत सिंह की पार्टी है। इस सीट के साथ ही जगमीत सिंह कनाडा में हीरो से बन गए, किंग मेकर बन गए। जगमीत का बैकग्राउंड ये है कि वो खालिस्तानी आंदोलन के बड़े समर्थक रहे हैं। यानी एक लाइन में कहें तो ट्रूडो की सरकार खालिस्तान समर्थकों के दम पर ही कनाडा में टिकी हुई है। कनाडा में सरकार चलाने के लिए यूं भी सिखों का समर्थन बहुत जरूरी है। कनाडा की आबादी में करीब करीब 2.1% से ज्यादा सिख आबादी है। पिछले 20 साल में कनाडा में सिखों की आबादी दोगुनी हुई है। ये नंबर भले कम लग सकते हैं, लेकिन ट्रिब्यून इंडिया की एक रिपोर्ट इस बारे में विस्तार से बताती है। ये रिपोर्ट कहती है कि सिखों की एक खासियत ये है कि एक समुदाय के तौर पर वो एकजुट रहते हैं। उनमें संगठनात्मक कौशल है, वो मेहनती हैं। कनाडा में पूरे देश में गुरुद्वारों की जबरदस्त नेटवर्किंग है और इसके जरिए अच्छा खासा फंड भी जुटता है। चंदा एक वो पहलू है जो सिखों और गुरुद्वारों को किसी भी कनाडाई राजनेता के लिए सपोर्ट सिस्टम बना देता है। वैंकूवर, टोरंटो, कलगैरी ऐसे शहर हैं कनाडा के जहाँ पर गुरुद्वारों का एक बड़ा नेटवर्क है। गुरुद्वारों में सिखों का जो धड़ा जीतता है वो अक्सर अपने पैसे और प्रभाव का इस्तेमाल करके कुछ लिबरल और एनडीपी के चुनावी उम्मीदवारों को समर्थन देने में इसका इस्तेमाल करता है। यानी ये तो तय है कि कनाडा में कोई भी सरकार सिखों के समर्थन के बिना, उनसे अच्छे व्यवहार बनाए बिना नहीं टिक सकती। लेकिन इस बीच ट्रूडो की ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि वो सिखों में भी एक अलग धड़े, जो अलगाववादी कहलाते हैं, जो खालिस्तानी समर्थक हैं, उनके लिए इतना नरम रुख अपना रहे हैं, जबकि तमाम जो भारत के सिख हैं वो ऐसी गतिविधियों को, खालिस्तान समर्थन गतिविधियों को ठीक नहीं मानते। इसका जवाब फिलहाल ट्रूडो के ही पास है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो अपने बेबुनियाद आरोपों के चलते लगातार घिर रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।